ग्वालियर जिले में चंबल अंचल के फिल्मकार और प्रशासनिक सेवा से जुड़े दो चर्चित व्यक्ति मनोज शर्मा और शरद केलकर शनिवार को ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान ग्वालियर एयरपोर्ट पर फैंस ने उन्हें बुके देकर स्वागत किया और सेल्फी ली। दरअसल ग्वालियर में चल रहे एमपीएल लीग में शामिल होने पहुंचे अभिनेता शरद केलकर और प्रशासनिक सेवा से जुड़े मनोज शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए ग्वालियर चंबल अंचल की जमकर तारीफ की। इसी दौरान उन्होंने कहा कि बाहरी दुनिया के लोग हमारे इलाके को बदनाम करते हैं, जबकि असलियत यह है कि ग्वालियर चंबल का व्यक्ति ईमानदार, मेहनती और कलात्मक होता है। शहर, अपनी जमीन और बहुत चेंज हो गया है। बहुत खुशी की बात है, इतना सुंदर एयरपोर्ट बनाया है और बहुत कुछ चीजें चेंज हुई है। मैं 10 साल के बाद आया हूँ तो देखना चाहूंगा क्या क्या और बदला है, लेकिन मुझे पता है कि वो दिल वो भाव सब सेम ही रहेगा जैसे पहले था। सर, इन्होंने तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ कि फ्लाइट में इतने लोगों ने इनके साथ फोटो खिंचाई है, एंड दैट्स अ सिंबल कि हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई और उसको कितना महत्व दिया जाता है कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ काफ़ी। बट एक बड़ी खुशी होती है कि आज लोग इंस्पायर हो रहे हैं, चाहे मुझसे हों चाहे इनसे हों, और कहीं ना कहीं एक अच्छा काम करने की कोशिश है आगे, तो हम लगे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। ग्वालियर में इतना बढ़िया एयरपोर्ट देख के बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट एयरपोर्ट इतना सुंदर है कि मतलब मन खुश हो गया है। ग्वालियर में डेवलपमेंट बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो ग्वालियर का होने के नाते मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इतना बड़ा आप मैच करा रहे हैं, इतना बड़ा स्टेडियम बनाया है, तो मुझे लगता है ग्वालियर के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और जहाँ तक पिक्चर का सवाल है, ग्वालियर की अपनी कहानी, अपनी बात, हमारे चंबल की बात पूरे देश ने सुनी, पूरे देश ने सराहा, पूरे देश ने समझा, ये बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों पर एक जो वो थी कि हम डाकू हैं और डकैत हैं, वो वाली बात ख़त्म हुई। हम लोग इसीलिए बागी हैं और हम लोग बहुत मेहनती हैं और बहुत मेहनत से आगे बढ़ते हैं, सच्चाई से आगे बढ़ते हैं। इस बात को पूरे देश ने माना, इसकी बड़ी खुशी है।